दिनों से हमारे घर तरफ बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही है। लगभग 15 से ज्यादा घंटा तक लगातार कंटिन्यू पानी आते ही था। मेरे घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी में ना एक नदी है, यहाँ पे हमको लगता है बहुत ज्यादा जोर पानी भर गया होगा। नदी दिखाने से पहले मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे मंदिर है भोले बाबा जी का, यहाँ सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए एंड आप लोग इस भयावह आवाज को महसूस कर सकते हो यहाँ पर। और ये रहा थोड़ा सा ऊपर का व्यू, जो कि उधर से पूरा नदी आप लोगों को विजिबल हो रहा है और यहाँ से लेकर पूरा उधर तक है। कुछ दिनों से हमारे घर तरफ बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही है एंड अभी मैं फिलहाल ये डिजिटेक का वायरलेस माइक से यूज़ कर रहा हूँ और अभी मैं फिलहाल कहीं पे जा रहा हूँ, अभी आगे डिस्कस करेंगे एंड अभी बीच रास्ता में रुक करके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसको अच्छा ना कहीं पर लगा देते हैं ताकि अच्छा से हम इसको पकड़। मैंने इसका नॉइज़ कैंसिलेशन को इनेबल कर दिया जिससे कि अगल बगल का आवाज़ उवाज़ ज़्यादा ना हो। तो हमारे घर तरफ बहुत ज़्यादा जैसे बारिश हो गई एंड मेरे घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी में ना एक नदी है, यहाँ पर हमको लगता है बहुत ज़्यादा पानी भर गया होगा। तो हम कल आया था पानी बहुत ज़्यादा, उसे आज भी आया था। लगभग 15 से ज़्यादा घंटा तक लगातार कंटिन्यू पानी आते ही था। तो अभी वहीं पर जा रहा हूँ मैं देखने के लिए कल बहुत लग गया था बट हमको याद ही नहीं पड़ा, कल भी जाना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अभी। पहुंच गए यहाँ पे एंड हमें यहाँ पर से लेना है राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है 81 महादेव भोर नदी, यहाँ से अराउंड होगा 1.5 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर रोड साइड भी बहुत ज्यादा पानी वैसे भरा हुआ है और यहाँ पर खेती उत्ती तो लगा हुआ है लेकिन बहुत कम लगा हुआ था, पानी नहीं आ रहा था जिसके कारण बहुत कम लगा हुआ था। लेकिन जिसका लगा हुआ उसका अच्छा है बट जो नहीं लगाया उसका लिए थोड़ा सा देखो। जैसे आगे वहाँ पर मैं दिखलाता हूँ, ये देखो यहाँ पर लगाया हुआ नहीं है, कहीं कहीं पर छोड़ छोड़ के लगा हुआ है। देखो इधर पूरा खाली है एंड इधर भी खाली है, हरियाली रहता है तो अच्छा दिखता है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, सबसे पहले अभी पहुँच लेते हैं उसके बाद फिर कैमरा को ऑन करते हैं। तो अभी यहाँ पर बाइक को पार्क कर लिए हैं और हमको लग रहा था ना कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं होगा बट यहाँ पर 2-3 कार्स वगैरह भी खड़े हुए हैं यहाँ पे भी है एंड इधर एक और बाइक है। तो अभी चलते हैं पहले नदी के पास, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं यहाँ का लोकेशन कैसा है। तो पहुँच गए हैं नदी में एंड सबसे पहले नदी दिखाने से पहले मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे मंदिर है भोले बाबा जी का, तो यहाँ सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। अंदर नहीं जाऊँगा मैं क्योंकि अंदर पूरा पानी कल भर गया था, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मेरा एक फ्रेंड बताया था जो कि कल आया था यहाँ पर एंड यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ना ये पूरा पानी से भरा हुआ था। जरा से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इतना पानी भरा हुआ आप लोग दिख रहा है ना ये पूरा यहाँ पर बह रहा था एंड यहाँ पर हम उसका से वीडियो मांग के ना क्लिप में ऐड कर देंगे जो कि यहाँ पर पूरा पानी बह रहा था और अंदर तो कुछ विजिबल ही नहीं हो रहा था एंड हम वो ऊपर से जा करके वीडियो शूट किया था। तो अभी इधर से भी आप लोग देख सकते हो एंड इधर पूरा पानी भरा हुआ था कल बट आज ख़त्म हो गया। इधर देख सकते हो इधर भींजा हुआ, ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो एंड यहाँ पर जो आप लोग घास दिख रहा है ना इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ तक पूरा पानी आ चुका था 100%। और उधर भी आया हुआ था क्योंकि पूरा उधर बाढ़ टाइप में सीन हो गया है बट वैसा नहीं इश्यू है, हमारे गांव तक तो ऐसा नहीं होता है। और इधर देख सकते हो यहाँ पर पुल है जो कि पुल ख़त्म हो गया और उधर से हम लोग को पैदल उधर जा कर दिखलाते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग को पैदल आने जाने के लिए बना हुआ था छोटा सा, वहाँ भी था बट वो तो पूरा धंस के ख़त्म हो गया एंड यहाँ पे हम लोग जा सकते थे बट अभी मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में डर लग रहा है तो अभी रिस्क नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे उधर अभी। और ये रहा थोड़ा सा ऊपर का व्यू जो कि उधर से पूरा नदी आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा और यहाँ से लेकर के पूरा उधर तक है एंड नदी में जो आप लोग को अभी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर मैंने पहले वाला शॉट लिया था और यहाँ पर पूरा जितना हम जहाँ पर थे वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था कल, बता देनी है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा ही जोर से आवाज़ मेरे को फील हो रहा है बट पता नहीं ये माइक रिकॉर्ड कर पा रहा होगा या फिर नहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है हल्का फुल्का जरूर रिकॉर्ड कर रहा होगा एंड आप लोग इस भयावह आवाज़ को महसूस कर सकते हो यहाँ पर। और मेरे को अभी तक याद है कि जब मैं छोटा था और यहाँ पर पूजा करने के लिए आता था ना सावन महीना में,
तो इधर ही इधर से मैं पार होकर के जाया करता था उस साइड पूजा करने के लिए। बट अभी मेरे को मैं क्या बोलूँ, मतलब नहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, डर लग रहा है हल्का। बट थोड़ा सा जा सकते हैं, पहले इसी सब रास्ता से होते हुए हम लोग जाया करते थे, पत्थर से चढ़ते चढ़ते हुए उधर जाते थे। बट अभी मेरे को जाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ना मैंने इस माइक का वैसे नॉइज कैंसिलेशन को ना ऑन किया हुआ था, जिसके वजह से आप लोगों को पानी का आवाज उसे नहीं सुनाई दे रहा हो। तो अभी मैं ना कुछ समय के लिए इसका नॉइज कैंसिलेशन को ऑफ करता हूँ, एंड आप इसके पानी का थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, मतलब आवाज का, एंड नॉइज कैंसिलेशन विल बी ऑफ। हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों का आवाज मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी बताना, एंड मैंने अभी नॉइज कैंसिलेशन को फिर से ऑन कर दिया, क्योंकि अगर ऑन नहीं करेंगे तो सिर्फ पानी का आवाज आएगा और मेरा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अभी चलते हैं, कुछ कुछ और वीडियोस लेते हैं, वरना फिर चलेंगे घर। और मेरे ही तरह यहाँ पर इस भयावह दृश्य को देखने के लिए मेरे गाँव के बहुत सारे लोग वैसे आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर वीडियो वगैरह भी शूट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे है, कुछ उधर बैठे हुए हैं, एंड कुछ कुछ वो है, और उस सर पर जा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उस साइड से तो बाइक लेकर के आया वो सर जा रहा है। एंड बहुत सारे लोग उधर कार में, उधर मैंने दिखलाया तो वही सब है, और इधर ये रहा पूरा पानी वानी भरा हुआ पूरा। यहाँ पुल हुआ करता था, जो कि कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, फोटोज खिंचाने के लिए आए हुए हैं, और कुछ मेरे जैसे जो कि यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि वहाँ मछली पकड़ रहे हैं, एंड हमको नहीं लगता वहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा। एंड पूरा यहाँ पर एक पेड़ भी हुआ करता था जो कि नहीं है, उसका फोटो है मेरा बस, उसको साइड बाई साइड में हम डाल देंगे, देखेंगे। और इधर यह रहा पूरा मंदिर, और हम सोच रहे थे अभी कि ड्रोन लेकर के आएंगे, लेकिन अभी पानी आने लग गया, भागते हैं यहाँ से, भागो। भींज तो नहीं रहे हैं, बट हल्का आ रहा है, जिससे कि माथा उथा कैमरा भींग जाएगा। तो मैंने बाइक भी लेकर के आया, वहाँ पूरा भींग जाऊँगा, तो बचते हैं कहीं पर। ये है टाटा पंच, जो कि दिखने में तो अच्छा लगता है, बट है बहुत छोटा, सो आई कांट। ये रहा मेरा प्यारा सा बाइक, पल्सर लेकर के नहीं आए। देखो यहाँ पे पानी आ रहा है, पूरे भींज गए, हल्का फुल्का आ रहा, कहीं हम भींग ना जाएं। फिलहाल अभी पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अभी हम ऐसे ही जा रहे हैं भींगते भींगते, ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का आ रहा है। एंड अभी मैंने ना माइक को अपने पॉकेट में रख दिया है, एंड अभी आवाज़ है डायरेक्ट गोप्रो से आ रही है, तो आप लोगों दोनों में कंपेरिजन भी कर सकते हो कि आवाज़ किस में बेटर आ रहा था। तो चलते हैं जल्दी, भींगते भींगते वरना पूरा भींग जाएंगे। देखो पानी कैसा आ रहा है, मेरे पास दोनों में चल जा रहा है, तो भागो गए। अभी हम ना बेमतलब बकैते गाड़ी चला रहे थे यार, अभी पानी ही नहीं आ रहा है, बेमतलब होता है स्पीड बाइक चलाएं, और कुछ नहीं। अच्छा तरह से वैसे वीडियो अच्छा से रिकॉर्ड हो गया है, टेंशन नहीं लेने वाली है। चलते हैं जल्दी से घर, यहाँ से अराउंड मेरे को जाना होगा 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर होगा।